पर आमतौर पर तो सब सीधे ही होते हैं और हम उनको टेबल पर डाल देते हैं, पर प्रॉब्लम तो तब होती है जब वो इधर उधर खिसकने लगते हैं। तो इसके लिए आज हम बनाएंगे फिटिंग वाला टेबल कवर। जो मैं तरीका आज आपको बताऊंगी, उस तरीके से आप कोई भी स्टूल से लेकर बड़ी टेबल, डाइनिंग टेबल, मंदिर की चौकी का कवर भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टेबल कवर बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह का कोई भी कपड़ा जिसका आप कवर बनाना चाहते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी लेस जिसे आप कपड़े पर लगाना चाहते हैं। तो मैं ये स्टूल का कवर बनाऊंगी। मुझे स्टूल का कवर बनाने के लिए मुझे इसका मेजरमेंट लेना है, तो मैं इसका मेजरमेंट लेती हूँ। ये इसकी लंबाई है 11.5 इंच और चौड़ाई है 11.5 इंच। स्क्वायर टेबल है, ये स्टूल है। तो अब जो टेबल कवर होता है थोड़ा डाउन होता है नीचे को, तो हमें टेबल से नीचे जितना भी डाउन कपड़ा रखना है हम उतना इंच इसमें प्लस कर लेंगे। जो हमने चौड़ाई और लंबाई ली है उसमें उतना इंच हम प्लस कर लेंगे जितना भी हमें इसे डाउन रखना है। तो मुझे इसके टेबल से नीचे कपड़ा डाउन 3 इंच रखना है। तो मैं इसमें जो मैंने मेजरमेंट लिया 11.5 इंच में, उसमें 3 इंच इधर से प्लस कर लूँगी, 3 इंच इधर से कपड़े में प्लस कर लूँगी, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ 3 इंच 3 इंच मेजरमेंट में प्लस कर लूँगी। आप अपने हिसाब से जितना भी अपने टेबल कवर अपना नीचे डाउन रखना चाहते हैं कपड़ा, उतना इंच प्लस कर लीजिए। जैसे मुझे स्टूल में 3 इंच डाउन रखना है तो मैं अपने मेजरमेंट में 3 इंच चारों तरफ से प्लस कर लूँगी। अब मैं कपड़ा लिया, मैंने मेरा मेजरमेंट है स्टूल का 11.5 इंच चौड़ाई, मतलब स्क्वायर में स्टूल। तो मैं इसमें 3 इंच प्लस कर लिया चारों तरफ से, 3 इंच चारों तरफ से कपड़े में प्लस कर लिया है मैंने, तो मेरा ये 7.5 इंच हो गया। तो मैंने 7.5 इंच का ये कपड़ा ले लिया, ये 2 पीस कपड़े के ले लिया मैंने 17.5 इंच के, और एक इस नाप की फॉर्म सीट ले ली है, ये 2 पीस कपड़े के और ये फॉर्म सीट। अब हम सबसे पहले कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर फॉर्म सीट रखेंगे और इसे ऐसे रखेंगे, उसमें चार तरफ सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए आपस में तीनों चीज। ऐसे सिलाइयाँ लगा लेंगे, किसी भी डिजाइन में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए हमने कपड़े में इस तरह सिलाई लगा ली है। अब हमें जो टेबल का मेजरमेंट 11.5 इंच है और 3 हमने इसे प्लस कराया चारों तरफ से, तो ये 3 इंच पे यहां से निशान लगाएंगे और 3 इंच यहां से, 3 इंच यहां से। ये देखिए हमने 3-3 इंच यहाँ से 3 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगा दिया, यहाँ से 3 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगा दिया और यहाँ से 3-3 इंच भी निशान लगा लिया हमने कपड़े। तो हम इसे इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से निशान लगा लिया हमने, 3 इंच यहाँ छोड़ के, 3 इंच यहाँ छोड़ के, 3 इंच यहाँ छोड़ के और 3 इंच यहाँ से छोड़ के, और ये हमारे इस तरह से बॉक्स बन गए हैं। अब हम यहाँ से हमें लेस लगानी है, तो हम यहाँ से 2-3 इंच छोड़ कर फिर एक निशान लगाएंगे लेस के लिए। हमारे 2 निशान हो गए हैं। अब हम यहाँ से ये बीच के निशान पे इस तरह से लेस लगाना शुरू करेंगे। इसमें लेस लगा लेंगे हम यहाँ से इस बॉक्स में। देखिए हमने इस लेस लगा ली है चाहे इसमें। अब हमने ये यहाँ से 3-3 इंच का जो बॉक्स बनाया है हम इसे कट कर लेंगे। देखिए जो हमने 3-3 इंच के बॉक्स बनाए थे ये हमने यहाँ से 4 बॉक्स कट कर लिए हैं। अब हम इसे उल्टी तरफ से, ये सीधी है, ये उल्टी तरफ से इस तरह मोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए हमने इस कोने में एक सिलाई लगा ली। अब हम इसी तरह ये चारों कोनों में उल्टी तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने चारों तरफ इस तरीके से कोनों में सिलाई लगा ली है, चारों कोने जोड़ दिए। अब हम इसे इस तरह सीधा करेंगे, मेरा इस तरह से बन गया है। अब हम इस तरह की कोई भी पाइपिंग ले लेंगे, किसी भी कलर की ले लेंगे जिसे आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो मैंने इस कलर की पाइपिंग ले ली है, तो मैं आप इस पाइपिंग को इस तरह से इसमें चारों तरफ सिलाई कर लूँगी। इस पाइपिंग को चारों तरफ यहाँ से सीधी तरफ से सिलाई कर लूँगी, इसे एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा ली इस तरह से, चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इस पाइपिंग को इस तरह मोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे, ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे पूरे में। देखिए मैंने चारों तरफ से पाइपिंग लगा ली है और ये हमारा स्टूल कवर बिल्कुल रेडी है।